भाई साहब, गांव वाले रिपोर्टर का आप सबको नमस्कार है। और फिल्मों में तो आप बहुत रोबोट देखे होंगे, रोबोट का एक्शन सीन भी देखे होंगे, और रोबोट वह वह कर देता है जो एक हीरो नहीं कर पाता है। मैं बॉलीवुड की फिल्मों की बात करूं तो रजनीकांत साहब का नाम आता है। वैसे आज की हम बात करें, हम इस वक्त मौजूद हैं जनपद महाराजगंज के एक विद्यालय में, सिसवा बाजार में, जिस विद्यालय का नाम है RPIC इंटरमीडिएट कॉलेज। और 16 साल का एक बालक रोबोट बना दिया है। रोबोट क्यों बना दिया है और क्या सोच कर बनाया है, इसके बारे में बात करेंगे। और रोबोट कैसे काम करता है, क्या क्या बातें सुनता है, क्या क्या समझता है। अब मुझे लगता है इस रोबोट को अगर और अच्छे तरीके से डेवलप किया जाए, इस बच्चे को सपोर्ट मिले, तो निश्चित ही कुछ बेहतर हो सकता है हमारे समाज के लिए। तो इनका नाम विवेक जायसवाल है। विवेक जायसवाल सिसवा बाजार के रहने वाले हैं। और कौन से क्लास में पढ़ाई करते हैं? इलेवन में पढ़ाई करते हैं। उम्र कितनी है? 16 साल। तो रोबोट कैसे बना दिए? रजनीकांत को देखे थे क्या? हाँ, वो कोरोना काल। अच्छा, थोड़ा और नीचे आ जाओ। पेशेंट्स को देख के, अच्छा, मरीजों को देख के, लोगों को देख के, हमारी जरूरतों को देख कर, हाँ, जैसे आज दिन दुनिया डेवलप कर रही है, वैसे हमारे देश को भी तो डेवलप करना चाहिए। बिल्कुल, हमें आगे जाना चाहिए। तो आगे, आपके हाँ, आपके जहन में जब आप रोबोट बना रहे थे तो क्या सोचते थे, इसको कैसे कैसे यूज करेंगे? जैसे कोविड काल में सरकार का जो गाइडलाइन था, 2 गज दूरी, सबसे दूरी रहना, खैर दूरी तो अभी बना के रहना है, तो एक तो वो रीजन होगा। अब मुझे लगता है दूसरा सबसे ज्यादा इसका यूज हो सकता है कहीं आग वगैरह लग जाए, तो आप क्या क्या सोचे थे? आग, इसमें सर आग वाला ही तो मोटिव था मेरा। अच्छा, आग बनाने के लिए जैसे इसमें सेंसर लगेगा। अच्छा, जो आप कहीं जा नहीं सकते, मान लीजिए आग लगा हुआ है, वहाँ आदमी जा नहीं सकते, जल जाएंगे। अच्छा, रोबोट को भेजा जाए, वहाँ पे लोगों को बचाए, आग को बुझाए और सब जान माल की रक्षा। अच्छा, तो कितना दिन लग गया आपको इस कंप्लीट होने में? सर 3 महीने का। 3 महीने, तो 3 महीने के अंदर रोबोट बनकर विवेक का तैयार है। वैसे इसका कुछ नामांकन किए हो गए विवेक? हाँ जी। क्या नाम वर्जन है? 3.2 रोबोट। ओहो, वर्जन 3.2 भी आ गया। तो देखिए अभी क्या क्या काम करता है आपका रोबोट, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। और एक और बात उससे पहले जान लेते हैं, कितना कुल लागत लगा इसमें? ज़्यादा नहीं लगा, 1800-1900 रुपये लगा है। अच्छा, मैंने 1800 रुपये में ये रोबोट बनकर तैयार है। और यह वो कर सकता है जो बहुत सारे इंसान नहीं कर सकते हैं, जो इंसान सिर्फ सो सकते हैं वो भी रोबोट कार्य कर सकता है। और कहा जाता है कि रोबोट बड़ा ईमानदार भी होता है, क्योंकि उसको जितना कहा जाएगा वो उतना ही करेगा। तो ये रोबोट हमारे साथ में है, थोड़ा देखते हैं विवेक का जो रोबोट है, जो इन्होंने इनोवेशन किया है, कैसे काम करता है, जरा हमारे दर्शकों को दिखाइए। सर एकदम, ये जो मेरा रोबोट है, हाँ, वो आपके मोबाइल से कंट्रोल हो गया है, RC कंट्रोलर आता है। अच्छा, इसमें सॉफ्टवेयर ऑलरेडी किया गया। अच्छा, अच्छा, वो सॉफ्टवेयर भी आप ही डेवलप किया है? आप अपने पास से सॉफ्टवेयर। अच्छा, इंस्टॉल करके। ठीक है, जैसे आप अपने फोन से कंट्रोल कर, हाँ, सकते हैं आगे, अच्छा, पीछे, अच्छा, साइड में, ओके, बोथ साइड में मूव कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा 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 दूर आगे तक ले जाइए जी सर। हाँ, ये देखिए, आप लोग देखिए। हाँ, अच्छा, ओके, रेंज है सर, ये 250 मीटर तक कंट्रोल किया जाए। अच्छा, 250 मीटर तक जाएगा, यानी किसी को चाय पानी सर्विस वगैरह भी करना है, मॉल वगैरह में अगर हम इसका यूज करते हैं, हाँ, हॉस्पिटल और मॉल में। अच्छा, तो ये पूरा मॉल का काम कर सकता है। बिल्कुल, तो जैसे कि आज का जो दौर है, डिजिटल का दौर है और जनरेशन बदल रहा है, मुझे लग रहा है इस दौर में यह समाज के लिए और एक अपने क्षेत्र के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। अगर इसको धरातल पे कुछ और सपोर्ट मिल जाए विवेक जैसे युवाओं को, तो मुझे लगता है कि और कुछ बेहतर कर सकते हैं। और क्या क्या हो सकता है, इससे बातचीत भी आप कर सकते हैं, बता रहे थे, इससे बातचीत वगैरह किया जा सकता है। अच्छा, कुछ सवाल भी पूछेंगे तो बता देंगे? एकदम सर। तो पूछिए 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 अपने रोबोट से कुछ पूछिए, कि ताकि हमको भी बड़ा कम जानकारी है तो हमारे दर्शक भी जाने। थोड़ा सा और पीछे आ जाते हैं हम लोग। हाँ, तो ये जो रोबोट है, ये एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है विवेक ने, और वो सॉफ्टवेयर आपके भी मोबाइल में, मेरे भी मोबाइल में भी यूज हो सकता है। उसके हिसाब से हम जैसे कहेंगे, लेफ्ट राइट आगे पीछे, ये जाएगा भी, कुछ लाने को बोलेंगे प्रॉपर वे में, मतलब एक सेटअप तैयार कर दें कि जैसे मान लीजिए एक ऑफिस है, ऑफिस में कोई आ रहा है तो रोबोट चाय पानी नाश्ता कराएगा। कितनी अच्छी चीज़ है। और रोबोट के लिए कहा गया है रोबोट ईमानदार होता है, क्योंकि इंसानों का तो थोड़ा सा दिमाग बदल जाता है मौसम के हिसाब से, लेकिन रोबोट नहीं बदलता है। तो ये रोबोट देखिए 1800 रुपये में जो है बनकर तैयार है। और विवेक का कहना है कि ये अभी एक इनका एक ट्रायल वर्जन है, अगर इनको सपोर्ट मिल जाए तो ये बहुत बेहतर से काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसी जगह जहाँ पे आग लग जाए, आग लग जाने के बाद बहुत सारे लोग डरते हैं जाने के लिए, किसी को बचाने के लिए, क्योंकि मान लीजिए हमारे घर में या आपके घर में आग लग गया, कोई छोटी बच्ची है
और वहाँ से नहीं निकल पा रहे तो इंसान तो नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसको अपनी जान की परवाह है। लेकिन अगर वहाँ पे रोबोट हो तो ये 100% जो है उस बच्ची का या उस बच्चे का जान बच जाएगा। तो विवेक के रोबोट से अब हम लोग कुछ सवाल जवाब करेंगे। फिलहाल थोड़ा सा इसको वॉकिंग कराते हैं, बड़ा थक गया है बेचारा, काफ़ी दिन से कुछ काम नहीं कर रहा है। तो थोड़ा चलाओ विवेक, क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं वो देखना चाहते हैं कि कितना दूरी तक ये जाएगा। ये बताइए विवेक, कितना दूरी तक इसे कंट्रोल कर सकते हैं? 250 मीटर। ओके, तो थोड़ा आगे लेके चलिए। हाँ, लेके चलिए, ये देखिए। अच्छा, ये जो आपने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है ये मोबाइल से ही ऑपरेट कर सकते हैं? अगर डेस्कटॉप पे है तो डेस्कटॉप से भी कर सकते हैं? डिजिटल डिवाइस होना चाहिए। अच्छा, डिजिटल डिवाइस है। तो ये जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है वो भी आपने ही किया है? जी सर। अच्छा, तो अब हम लोग कुछ सवाल कर लेते हैं, जीके का सवाल कर लेते हैं। देखिए, एक और अच्छी बात है, इस इनसे जो पूछेंगे ये महाराज बताएंगे, बड़े ज्ञानी टाइप के व्यक्ति हैं। ठीक है, तो थोड़ा रोक दीजिए, अब हम लोग बातचीत करते हैं। हाँ, तो चलिए आप शुरुआत कीजिए, क्योंकि इनका चेहरा यहाँ है ना। हाँ, तो बैठ जाइए। हाँ, तो आप पूछिए एक बार, क्या पूछ रहे हैं? उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है? योगी आदित्यनाथ। देखिए, विवेक ने सवाल पूछा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, जवाब आपने सुना योगी आदित्यनाथ। अच्छा, ये बताओ, ये भोजपुरी भी बोलने लगो? एकदम गुरु जी। तो भोजपुरी में कुछ पूछा था नहीं? भारत के प्रधानमंत्री के है? नरेंद्र मोदी। देखा, मतलब भोजपुरी भाषा जो पूर्वांचल की भाषा होती है उस भाषा में भी इनका रोबोट जवाब दे रहा है। और भी कुछ जीके का सवाल पूछिए। झारखंड के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है? हेमंत सोरेन। अच्छा, और भी कुछ पूछ लो एक दो। बिहार के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का शहर कौन सा है? योगी आदित्यनाथ, मूल नाम अजय सिंह बिष्ट, जन्म 5 जून 1972, गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत तथा राजनेता हैं एवं वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वाह, तो देखिए बड़ा, ये कितने दिनों में बनाया है आपने विवेक? 3 महीने का। 3 महीने की मेहनत है। और विवेक ने बताया कि कुल 18 से यानी 2000 के अंदर में आपने तैयार कर दिया। तो अभी क्या सोच है आपकी इस रोबोट को लेकर, क्या इसको और मॉडल इसको और अपडेट करेंगे? अच्छा, जिससे ये लोगों की मदद कर सके, एकदम दैनिक जागरण में लोगों की एकदम रोज डेली जरूरत बन जाए, जैसे सेलफोन आज की जरूरत बन चुकी है। अच्छा, वैसे इसको भी जरूरत बनाने का है। नहीं, किस प्रकार की मदद कर सर? हर काम में आपकी, एकदम बेडरूम से लेके सारे काम। अच्छा, करने में ये आपकी मदद करेगा। तो ये विवेक जायसवाल हैं और 11th के छात्र हैं और मिडिल फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। लेकिन ये देखिए, रोबोट जो 3 महीने पहले लॉकडाउन के शुरुआती दौर में इन्होंने सोचा और 3-4 महीने लगा, और अब जो है रोबोट काम करता है, सैनिटाइज भी करता है इनका रोबोट, और पानी भी पिलाता है, सब कुछ करता है। तो इस रोबोट से मिलकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात है भैया, ये भोजपुरी में बताता है और हिंदी बोलता है, अंग्रेजी बोलता है, सब बोलता है, और फर्राटेदार तरीके से हर चीज़ का जवाब देता है। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस छोटे भाई, इस युवा को सपोर्ट कीजिए। ऐसे तमाम युवा जो इस प्रकार का इनोवेशन कर रहे हैं, अगर उनको मौका मिलेगा, उनकी बात शासन, सत्ता और सरकार तक पहुंचेगी, तो कहीं ना कहीं इनके पंख को एक उड़ान मिलेगा और इनको और आगे करने की जो है एक क्षमता डेवलप होगी। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, गांव वाले रिपोर्टर के साथ बने रहिए, और एक बार फिर से जरा इनको चलाइए, थोड़ा सा देखा जाए। ये देखिए, इनके हाथ में जो है एक सॉफ्टवेयर जो है विवेक ने डेवलप किया है, और उसी सॉफ्टवेयर के सहारे से इसको चलाते हैं। और विवेक बता रहे हैं कि लगभग 250 मीटर तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कहीं भी जाना हो, लेफ्ट राइट आगे पीछे। हाँ, कहीं से। अच्छा, ये आपने किस लिए बनाया है? सर, यहाँ पे आप सामान रख के कुछ भी, जैसे कॉफ़ी, चाय वगैरह, सैनिटाइजर वगैरह कुछ भी पहुँचाना है, मेडिसिन, आप सारे कुछ यहाँ पहुँचा सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये बताइए कैसा लगता है आपको, जो आपके यार जो दोस्त हैं आपके साथ के पढ़ने वाले बच्चे हैं, अब देखते हैं तो क्या बोलते हैं? बोलते हैं, कहते हैं भाई लगे रहो और क्या। अच्छा, घर वालों का कैसा सपोर्ट मिलता है? घर वालों का पूरा सपोर्ट रहता है, पूरा सपोर्ट मिलता है। तो फ्यूचर में क्या विवेक क्या करना चाहते हैं, ताकि अभी तो आपका पढ़ाई चल रहा है, क्या करना चाहते हैं आप, क्या बनना चाहते हैं? बड़े साइंटिस्ट बनके दुनिया को कुछ दिखाना और बनाना कुछ चाहते हैं। अच्छा, यानी साइंटिस्ट बनना चाहते हैं और उसी क्रम में एक इनोवेशन किए हैं। हम ये कह सकते हैं शुरुआत हो गई है। अब ऐसे युवा को, ऐसे भाई को जब मौका मिलेगा, मौका कैसे मिलेगा, इस वीडियो को जब आप शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, विवेक का नाम जब दूर दूर तक जाएगा, तो कहीं ना कहीं सरकार
और समाज के लोग भी जब जानेंगे तो विवेक के देखकर और हजारों विवेक तैयार हो जाएंगे और इनकी तरह खुलकर कुछ करने की कोशिश करेंगे। गांव वाले रिपोर्टर को देखते रहिए, प्यार बनाए रखिए, और बहुत मज़ा आया। और सबसे ज़्यादा मज़ा आया इस रोबोट ने जो भोजपुरी में बोला। चलते हैं, नमस्कार।